सीओ के बीसी द्वारा एबीवीपी के आंदोलन पर मांगों को मानने के आश्वासन के बाद दो दिन बाद सीओ में शिक्षा शुरू हो पाई। एबीवीपी का कहना है कि सीओ प्रशासन की ओर से दिए गए आश्वासन पर शिक्षा शुरू की गई, लेकिन स्थायी कैंपस की मांग को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी। गौरतलब है कि सीओ में मूलभूत सुविधाओं सहित स्थायी कैंपस की मांग को लेकर एबीवीपी द्वारा सीओ धर्मशाला में पिछले दो सप्ताह से आंदोलन किया जा रहा है तथा पिछले पांच दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। सीयू हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला कैंपस में दो दिन बाद शिक्षा शुरू हो गई है। सीयू के बीसी द्वारा एबीवीपी के आंदोलन पर मांगों को मानने के आश्वासन के बाद दो दिन बाद सीयू में शिक्षा शुरू हो पाई। एबीवीपी का कहना है कि सीयू प्रशासन की ओर से दिए गए आश्वासन पर शिक्षा शुरू की गई है, लेकिन स्थायी कैंपस की मांग को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी। गौरतलब है कि सीयू में मूलभूत सुविधाओं सहित स्थायी कैंपस की मांग को लेकर एबीवीपी द्वारा सीयू धर्मशाला में पिछले दो सप्ताह से आंदोलन किया जा रहा है। सीयू हिमाचल प्रदेश के बीसी डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने कहा कि एबीवीपी की हड़ताल जो चल रही थी, आज सभी छात्रों को आश्वासन दिया है कि जो हम कर सकते हैं उन सभी समस्याओं को जल्द सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। स्थायी कैंपस निर्माण के लिए भारत और प्रदेश सरकार से संपर्क किया जा रहा है कि जो जमीन का मसला है वो जल्द सुलझ जाए, जिससे कि स्थायी कैंपस का निर्माण हो सके। धर्मशाला में सीयू की भूमि का मसला केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास पेंडिंग है और उसका फैसला हो जाएगा तो जमीन सीयू प्रशासन के नाम हो जाएगी। धीरा में सीयू के नाम 110 एकड़ भूमि हस्तांतरित हुई है, जबकि 180 एकड़ भूमि उच्च शिक्षा विभाग के नाम पर हस्तांतरित हुई है। इस भूमि के सीयू के नाम हस्तांतरित होते ही हम कैंपस निर्माण का काम शुरू कर देंगे। सभी स्टूडेंट को कक्षाएं लगाने को कहा गया है। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तीनों कैंपस को लेकर कुछ समस्याएं लंबे अरसे से चली हुई थी, जो हमारे बस में है, जिनको हम ठीक कर सकते हैं। आज मैंने सारे छात्रों को आश्वासन दिया है कि जल्दी ही हम इन सब समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे। और नंबर दो, जहाँ तक स्थायी परिसर का प्रश्न है, मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से भी, भारत सरकार से भी कॉन्स्टेंटली इन टच हूँ कि ये जो जमीन का मसला है ये जल्दी सुलझ जाए ताकि स्थायी कैंप का निर्माण कर दिया जाए। धर्मशाला में फॉरेस्ट के पास, वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास जो NOC के लिए केस जाता है, वो वहाँ पेंडिंग है, उसका निर्णय हो जाएगा तो जमीन हमारे नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। देरा में हमारे नाम 110 एकड़ जमीन ट्रांसफ़र हो गई है और 180 एकड़ अभी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम ट्रांसफ़र हुई है, वो हमारे नाम भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे ही CU के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी, हम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देंगे। नहीं, मैंने सभी विद्यार्थियों को कहा कि भाई अपनी क्लासें लगाओ और आपकी सभी जेन्युइन समस्याओं पर उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और जल्दी हम पूरा कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। सीयू के PhD स्कॉलर नवनीत कौशल ने कहा कि एबीवीपी सीयू के स्थायी कैंपस निर्माण के लिए पिछले 11 सालों से आंदोलन कर रही है। सीयू के स्टूडेंट पिछले 15 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं तथा 6 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं। देहरा कैंपस में पिछले 10 दिनों से कक्षाएं नहीं लगाई जा रही हैं। सीयू प्रशासन ने 7 दिन के भीतर मांगों को मानने का आश्वासन दिया है। आश्वासन के बाद कक्षाएं शुरू की जाएंगी, लेकिन स्थायी कैंपस निर्माण के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी। आंदोलन के चलते बीसी को हमारी समस्याएं जानने आना पड़ा और समस्याओं के संबंध में आश्वासन मिला है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो ये आंदोलन है, ये पिछले 11 सालों से इस यूनिवर्सिटी के स्थायी निर्माण के लिए लगा हुआ है और बहुत शर्म की बात है, मीडिया के माध्यम से मैं इस प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो प्राथमिक कर्तव्य है सरकार का प्रदान करना, आज उन्हीं सरकारों की वजह से जो है हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का छात्र जो है पिछले 15 दिन से लगातार अपने आंदोलन के ऊपर सक्रिय है और पिछले 6 दिन से आज 6ठा दिन भूख हड़ताल का है। जो स्टूडेंट्स यहाँ अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमारा जो देहरा कैंपस है उसके अंदर पिछले 10 दिन से पूरी के पूरी क्लासेस लॉकडाउन की गई है, वहाँ पे कोई भी क्लासेस नहीं लगाई जा रही है। आज का जो हमारा आंदोलन था, ये विश्वविद्यालय प्रशासन, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ था। हमारी जो विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने जो हमारी डिमांड थी, उनको विश्वविद्यालय प्रशासन ने 7 दिन के अंदर मानने का जो है यह आश्वासन हमें दिया है। साथ ही जो हमारी भूख हड़ताल हमारी चल रही थी, वो भूख हड़ताल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ हम जारी रखेंगे जब तक हमारा स्थायी कैंपस का निर्माण कार्य नहीं शुरू हो जाता। इसीलिए हम जो है 2 दिन हमने क्लास लॉकडाउन की, जिसकी वजह से जो है आज वाइस चांसलर को स्पेशल हमारे से हमारी बातें सुनने के लिए यहाँ पे आना पड़ा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।